ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आज की पांच बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। भिवंडी के पट्टी नाका शालीमार इमारत के ऑटो पार्ट्स की एक दुकान में देर रात आग लग गई। इस आग ने 3 से 4 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि इमारत की पहली मंजिल पर अस्पताल भी था, मगर घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी। उत्तर प्रदेश के शामली में पत्रकार की जीआरपी पुलिस ने पिटाई कर दी है। मालगाड़ी की बोगियां पटरी से उतर गई थी। इस हादसे को कवर करने गए पत्रकार से गाली गलौज की गई और मारपीट की गई। दरअसल इस पत्रकार ने जीआरपी पुलिस की उगाही उजागर की थी, इसलिए पत्रकार के साथ मारपीट की गई और गाली गलौज की गई। फिलहाल पत्रकार की पिटाई मामले में इंस्पेक्टर जीआरपी को सस्पेंड कर दिया गया। बुलंदशहर के खुर्जा में एक युवती स्कूटी के साथ बेहोशी हालत में देर रात मिली। बताया जा रहा है कि युवती को नशीला पदार्थ खिलाकर गैंगरेप की आशंका जताई जा रही है। इस मामले में पुलिस आगे की जांच कर रही है। कल रात्रि 12 बजे के आसपास पुलिस को हाईवे प्लाजा के निकट एक लड़की बेहोशी की स्थिति में मिली थी। तत्काल पुलिस ने अग्रिम कार्यवाही करते हुए उपचार हेतु उसको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया था। सुबह जब उसको होश आया है तो उसका ये कहना है कि जब मैं खुर्जा नगर से मंदिर में दर्शन करने के बाद जब बुलंदशहर वापस जा रही थी तो रास्ते में उसकी स्कूटी का पेट्रोल ख़त्म हो गया और उसी समय जीतू नामक एक लड़के ने वहाँ पर पेट्रोल भराने के बहाने उसे नशीला कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ खिला करके खिला दिया, जिसमें वो बेहोश हो गई। और आगे क्या हुआ उसके बारे में उसकी जानकारी नहीं है। उसे विस्तृत पूछताछ की गई है। उसकी माँ द्वारा जो FIR दी गई है उस FIR पे तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। उस FIR के अनुसार 376 और पॉक्सो अधिनियम का अपराध बनता है, इस अपराध के तहत अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। महाराष्ट्र के धुलिया में मुंबई हैदराबाद हाईवे पर ललिंग घाट के पास 3 वाहनों की जोरदार टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई है और 6 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उनकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। भातसा डैम में तकनीकी खराबी के कारण 3 दिनों तक पानी की कटौती रहेगी। भातसा डैम में रिलीज गेट तकनीकी खराबी के कारण मुंबई में दैनिक जल आपूर्ति प्रभावित हुई है। गेट के मरम्मत कार्य के दौरान पानी आपूर्ति 25% तक कमी आएगी। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।